और इसी कड़ी में चूंकि धूप तेज है, सबसे पहले मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में श्री सम्राट सिंह जी से चाहूंगा कि माल्यार्पण कर जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए प्रधान जी का। खंड विकास अधिकारी महोदय सरकारी माल्या सम्राट सिंह जी द्वारा सम्मानित, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इस तरीके से अनुवस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उस पे घाट सीढ़ी टहलने के लिए उस पे इंटरलॉकिंग या पाथवे बनाते हुए वर्ष भर उसमें जल संचयन हो सके, इतनी खुदाई उसकी की जाए और उसे इस तरह से विकसित किया जाए कि जहां सुबह शाम बैठा जा सके, टहला जा सके, योग व्यायाम किया जा सके। जल स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है। नमस्कार, फर्स्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के बरवा बाबू ग्राम सभा में, और ये पीछे लगा है बैनर महाराणा प्रताप अमृत सरोवर नाम से। यहाँ अमृत सरोवर की भूमि पूजन हुई है, जिसमें यहाँ के प्रमुख जी भी उपस्थित रहे हैं और ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जी भी मौजूद रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एपीयू साहब, हम इनसे जानकारी लेंगे अमृत सरोवर है क्या। अमृत सरोवर योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोची गई एक योजना है, जिसका कॉन्सेप्ट लिया गया है अमृतसर में जो वो क्या कहते हैं अमृत सरोवर स्वर्ण मंदिर है, जिसके बगल में आप लोगों ने देखा होगा एक तालाब है जिसमें स्नान करने के उपरांत वहाँ हम दर्शन करते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। और गांव में भी ऐसी एक सुंदर तालाब जिसमें स्वच्छ पानी हो, जिसमें स्नान किया जा सके तथा गांव वाले वहां पे भ्रमण कर सके, एक मतलब सैर सपाटे की तरह इसको लिया गया, पूरा सुंदरता दिया जाएगा इसको शहर के नाम। हम आपसे बात करेंगे सर, इस अमृत सरोवर में क्या क्या बनने वाला है। इसमें हम लोग बनवाने वाले हैं मनरेगा से चारों तरफ तालाब के चारों तरफ पाथवे बनवाएंगे, उसके बाद से हम दो तीन तरफ से ज़रूरत के हिसाब से इस पर हम सीढ़ी बनवाएंगे, फिर हम इस पर चारों तरफ क्यारी बनवाएंगे, प्लांटेशन का काम होगा, इस पर सेट बनाया जाएगा, छोटा सा कैंटीन बनाया जाएगा, जो भी मतलब आवश्यकता अनुसार जितना हम सुंदर बना सके। बात करेंगे इस अमृत सरोवर की खुदाई जो है वो टेक्निकल से किया जाएगा या फिर मनरेगा मजदूरों से कराएगा। चूंकि मनरेगा योजना का उद्देश्य यही है रोजगार देने का, तो इसमें मनरेगा के मजदूर ही कार्य करेंगे ताकि हम गांव के जो मजदूर हैं जॉब कार्ड धारक हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार दे सकें। तो मनरेगा में पूर्णतया मशीन प्रतिबंधित है, जिसका इसमें केवल लेबर हमारे ग्राम पंचायत के लगेंगे, मशीन का प्रयोग नहीं होगा। धन्यवाद सर। बता दें आपको कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था, अगर देश को विकास करना है तो गांव का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक मजबूत देश तब बनेगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं, यहाँ के वर्तमान प्रधान जी हैं सम्राट सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सम्राट सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जाने की प्रयास करेंगे। सर, ये महाराणा प्रताप अमृत सरोवर नाम आपने क्यों चुना? महाराणा प्रताप अमृत सरोवर नाम, महाराणा प्रताप को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और इन्हीं के नाते महाराणा प्रताप अपना अमृत सरोवर रखा गया, और ये महापुरुषों में भी जाने जाते हैं। सर, इस अमृत सरोवर से ग्रामीणों को कितना लाभ मिलने वाला है? अब अमृत सरोवर के देखिए चारों तरफ पाथवे बनना है हमारे यहाँ, इसमें फिर सीढ़ियाँ बनेंगी, छठ घाट भी बनेगा जी। उसके बाद उधर एक छोटा सा कैंटीन भी बनना है और तमाम इस पे व्यवसायिक कार्य भी किए जाएंगे, जिसको धीरे धीरे आगे कार्यान्वित किया जाएगा, योजना में आएगा, जैसा कि अभी पीयू साहब आपको बताए भी होंगे। मत्स्य के लिए क्या होगा सर, मत्स्य पालन होंगे या फिर पानी ही पानी रहेगा? इसके बारे में तो पूर्णतः जानकारी अभी नहीं है, आगे जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। हम बात करेंगे सर, एक साल हो चुके ग्राम प्रधानी का,
प्रधानी काल कहा जाता है, एक साल लगभग बीत चुके हैं, उसमें सर हम बात करेंगे आपसे ग्राम सभा में विकास के तौर पे आपने कहाँ तक ग्राम सभा को ले गए हैं विकास के क्षेत्र में। अब विकास के चक्कर में क्रम में तो हमने अपने ग्राम सभा में लगभग 7-8 छोटी बड़ी सड़कें इंटरलॉकिंग बनवाई है, पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवा दिया है, जगह जगह महिलाएं जाती थी चौराहे पे खड़ी रहती थी तो बैठने के लिए बेंच की भी व्यवस्था कर दिया, 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगवा दिया और 3-3 पोखरे की अभी खुदाई हो रही है जिसमें एक अमृत सरोवर पोखरा भी चयनित हुआ है। सर बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका तालाब जो है बहुत ही गहरा अभी भी गहरा है और खुदाई होनी बाकी भी है और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है और काफ़ी अच्छा इसका दृश्य देखने को मिला है। सर हम आपसे बात करेंगे आगे विकास के तौर पे क्या करने वाले हैं इस ग्राम सभा को। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा पंचायत भवन कुछ कार्य उसमें बाकी है, उसको ठीक से करा दिया जाए और खेल मैदान भी हमारे यहाँ बनने वाला है, हो सकता है वो भी अगले प्रगति के क्रम में खेल मैदान पर ही आपसे मिला जाए हम लोग। क्योंकि हर ग्राम सभा में बात करेंगे खेल मैदान भी बन रहा है, तो आपकी ग्राम सभा में कब वो खुशी आने वाली है ग्राम सभा के लोग? अगला हमारे कार्य खेल मैदान का ही होने वाला है। सभी कामों का एक अंजाम होता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम प्रधान का आरोप भी लगता है कि अधिकारी थोड़ा सा क्या कहा जाता है उसे, कमीशनबाजी ज्यादा होती है, तो आपके साथ कितना घोलमाल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक एक साल का जो अनुभव रहा है हमारा बहुत अच्छा रहा है और हमारे विभाग से, हमारे प्रमुख जी से, हमारे BDO साहब, APO साहब, सेक्रेटरी साहब, सबका भरपूर सहयोग मिलता है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो समझ लीजिए विकास कार्य कराना नहीं चाहते हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। विकास कराना नहीं चाहते हैं, उन्हें बहाना चाहते हैं। प्रधान जी का सीधा कहना है कि इस तरह का कोई गोलमाल नहीं है, हमें किसी प्रकार के अधिकारियों से कोई झड़प नहीं है, अधिकारी हमारा सहयोग करते हैं तभी हमारा विकास हो रहा है। जी हाँ, आइए हम बात करते हैं, यहाँ के सचिव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे और अमृत सरोवर के बारे में जानकारी लेंगे। चूँकि बात करने से पहले हम बता दें कि सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारे ग्राम सभा को चार्ज में ले रखे हैं और जहाँ भी इन्होंने चार्ज ले रखा है वहाँ ऐतिहासिक कार्य करते हुए नजर आए हैं और यहाँ भी बरवा बाबू में भी ये सौभाग्य से मुलाकात हो गई है और बता दें कि पिछले दिनों इनको इन्हीं कार्यों को मद्देनजर रखते हुए सम्मानित किया गया है। तो सर हम आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है सर सम्मानित आपको किया गया अपने कार्यों को लेकर? निश्चित तौर पर बहुत खुशी मिली मुझे जब मुझे सम्मान मिला है तो जी। सर अभी हम बात करेंगे, पिछले ग्राम गांव में देखा गया है हरपुर मचागर में आपने बहुत ही भव्य अमृत सरोवर और साथ ही साथ मनरेगा खेल मैदान का उद्घाटन भूमि पूजन आज हुआ है, वो बहुत ही भव्य है सर, हम आपसे बात करेंगे कितने का प्रोजेक्ट हो रहा है? प्रोजेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, चूँकि वो ग्राम पंचायत से नहीं बल्कि क्षेत्र पंचायत से है, इसलिए बड़े लेवल पे है और निश्चित तौर पे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये कह सकता हूँ कि जो नज़ारा आप गोरखपुर में देखते हैं वो आपको हरपुर मझागर में ही मिल जाएगा, चूँकि वहाँ पर खेल मैदान के साथ साथ ये पाथवे और निश्चित तौर पर टहलने के लिए और साथ ही जिम की भी व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं, वहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था करने वाले हैं और तरह तरह की सुविधाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सर उसकी डिजाइनिंग कहाँ से आपने किया, ये इंजीनियर साहब किए हैं या फिर आप लोग विभागीय लोगों ने किया? जैसे होता है ना कि कहीं भी कुछ किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो किसी की कॉपी की जाती है या किसी के दृश्य को यहाँ उतारा जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर वहाँ किस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, पहले से कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि अब कौन सा भौतिक वातावरण आपको मिलता है उस अनुसार उसका ये मतलब बनाया जाता है, जो भी एस्टीमेट बनता है। तो निश्चित तौर पर सभी हमारे TA साहब और ब्लॉक CJ साहब इन सब लोगों के द्वारा उसका माप लिया गया है और उसका प्राकलन तैयार किया जा रहा है। उससे ग्रामीणों को सर लाभ क्या होने वाला? निश्चित तौर पर चूँकि आज के ज़माने में अगर आपको शुद्ध जल मिले, शुद्ध हवा मिले, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है और एक खुशी आपको अच्छा माहौल मिलेगा, वहाँ फूल पत्तियाँ मिलेंगी और टहलने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, झूला मिलेंगे, जिम मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर सभी लोग उसे लाभान्वित होंगे और ज़िंदगी का सबसे बड़ा अगर धन है स्वस्थ, तो अगर आपके पास स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन है, तो वहाँ आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, जल ही जीवन है, जल के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर का सरकार के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। सर हम बात करेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ अमृत सरोवर की खुदैया हो रही है, अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारे ग्राम सभा में देखा गया है कि जो तालाब हैं वो समतल हो गए हैं, खेती बाड़ी मकान वगैरह सब बन गए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, आपके विभाग क्या कर रही है?
नहीं देखिए अभी अमृत सरोवर धीरे धीरे हम लोग बड़े ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हुए छोटे छोटे ग्राम पंचायत की तरफ बढ़ेंगे, सभी गांव बनना है। अगर इस तरह की कहीं बात है कि जहां तालाब नहीं है और अगर सरकारी ज़मीन है तो उसको प्रधान जी को और सचिव साहब के द्वारा इसे मतलब हम लोग को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करने के बाद से ये हमको अपने SDM साहब को देना चाहिए ताकि उसकी पैमाइश लेखपाल साहब के द्वारा हो सके और फिर वहाँ पर भी इसका निर्माण किया जाएगा। सर हम बात करेंगे ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा अमृत सरोवर? एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हरपुर मछागर की बात करेंगे सर, कब तक वहाँ, चूंकि लंबा प्रोजेक्ट है, कब तक अनुमानित समय है कि वहाँ एक अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिल सकता है? नहीं देखिए चूंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें समय ज़्यादा लगना है, लेकिन मुझे जो ऊपर से आदेश मिला है उसमें यह है कि अधिक से अधिक लेबर लगा के जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, तो मान चलिए कि एक महीने में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। सर हम आपसे आप भी बात करेंगे, चूंकि आप जिस ग्राम सभा को अपने कस्टडी में लेते हैं वहाँ एक ऐतिहासिक कार्य करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, प्रधान जी भी लोग कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित तौर पर मेरा खुद का विचार रहता है कि जब भी जैसे कि अगर मेरी ये सोच रहती है कि हमको अपने देश के लिए समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और एक कहावत है कि अगर हम नहीं दे सके काम आए तो ये धारा क्या कहेगी, यह गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए उषा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। तो अगर मैंने जन्म लिया है तो इस देश के लिए मुझे बहुत सारी काम करनी चाहिए, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि मुझे अपना जो भी 100% है मैं अपने काम में बेहतरी के लिए दे सकूँ। सर प्रधान जी लोग ये भी सवाल रखते हैं कि सेक्रेटरी साहब से जमती नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत सारे ग्राम सभा को इस समय चार्ज में ले रखे हैं, तो किसी प्रधान के साथ तालमेल में गड़बड़ी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्रधान जी लोग सम्मानित हैं, सारे प्रधान जी लोग के साथ मिलजुल के काम किया जा रहा है और गांव के विकास के लिए सभी लोग एकजुट हैं और काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये रहे सेक्रेटरी साहब यानी कि सचिव साहब तैमूर अंसारी जी, जो अपने कामों के लिए जाने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक में बहुत ही अच्छे कार्य का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिन्हें इन्हीं कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए सम्मानित भी किया गया है। और बता दें कि सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है, वाटर लेवल थोड़ा सा कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि पहले अभी प्रमुख जी भी बताएं, फिर वीडियो साहब भी बताएं कि पहले 20 फुट पे ही पानी निकल जाता था, लेकिन अब 20 फुट के अंदर गहराई में जाने के बाद पानी मिल रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अन्य प्रदेश की तुलना करने के बाद इन कड़ी पे आती है कि यहाँ वाटर लेवल को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए, जिसमें साल भर जल संचय रहे, जिससे आसानी से हमें शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है और ये पथवे बनाया जा रहा है, और प्रधान जी के कहने के अनुसार इस पथवे पर बहुत सारे रोजगार भी दिए जाएंगे, जैसे कि दुकान वगैरह भी यहाँ खोले जाएंगे और बैठने के लिए उच्चतम व्यवस्थाएं की जाएंगी और फूल पत्तियाँ भी लगाई जाएंगी। हम चाहेंगे कि इस तालाब को दिखा दिया जाए एक बार कि इसके सुंदर दृश्य जो है बताने के अनुसार जब ये बन के तैयार होगा और इसमें शुद्ध जल जब भर जाएंगे तो इसका सुंदर दृश्य देखने के बाद दिल मनमोहित हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है और इसके बावजूद भी मनरेगा मजदूरों के द्वारा इसकी खुदाई होनी बाकी है और इसमें किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि मनरेगा मजदूरों का प्रयोग करके इसकी खुदाई की जाएगी ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, हमें भी सहयोग करना चाहिए, अधिकारी भी बड़े मजबूती के साथ और ईमानदारी से अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ में, अजय कुमार के साथ, धन्यवाद।